इन सबको जब पूरा एक राज्य बना, सभी राज्यों का एक समूह बना, तो ये महती आवश्यकता पड़ी कि पूरे देश में एक सर्वमान्य भाषा होनी थी। उस समय पूरे भारत के बहुसंख्यक क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा, समझी जाने वाली भाषा का आकलन किया गया। यह पाया गया बहुसंख्यक भाषाएं हिंदी के आसपास है और स्वयं हिंदी बहुत बड़े भूभाग में एक सर्वमान्य कम्युनिकेशन संप्रेषण की भाषा है। राजभाषा एक्चुअली ये हिंदी दिवस जो है ये राजभाषा दिवस है, तो भारत के संविधान निर्माताओं ने ये निर्णय लिया कि भारत गणराज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज, सरकारी कामकाज की भाषा हिंदी होगी और उसको सनई सनई एक कार्यबद्ध तरीके से पूरे भारत में लागू करने का निर्णय लिया गया। क्योंकि भारत विविधताओं का देश है, सभी को हिंदी सिखा पाना कठिन था, तो उन्होंने एक त्रिभाषा फार्मूला बनाया कि सरकारी कामकाज में कोई भी आदेश राज्य की भाषा माने हिंदी, अंतर्राष्ट्रीय भाषा